गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, एक बज चुका सवा एक जब स्टार्ट किया। और भैया जा रहे हैं कहीं घूमने पहाड़ों में। और हाँ गाइस, हमारा ये देखो गूगल सीन का जो पिन आना होता है ना यूट्यूब का, वो हमारा आ चुका भैया देखो। तो वही इसीलिए हम आज पहाड़ों में निकल लिए घूमने के लिए, वहीं से शुरुआत की थी सही चैनल की। और आज ये आ गया, आज फिर हम घूमने जा रहे हैं। देखो आ गए, यूट्यूब चैनल सक्सेस होगा अपना। ये बताया है दाकी, ये देख गया यूई, ये आ गया अपना गूगल पिन यूट्यूब का, गूगल का। बाय बोल यूई, बाय बेटे, बोलो ना जल्दी, क्या हुआ? क्यों लेके अगली बार लेके चलूंगा, जब मम्मा को लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है बेटे, ठीक है यूवी, बाय। तो बोल दे यार, ऐसे मन दुखी रहेगा मेरा, प्लीज। यो भी दगा भाई, चले भाई। डीजल वगैरह फुल करवा लिया, हवा करवा लेते हैं चारों टायरों में और निकल लिया पहाड़ों की तरफ। देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं भाई, पहुंच ही जाएंगे शाम तक कहीं ना कहीं। तो निकल लिए गाइस, ये भी साथ में है, पीछे दोनों जमू रहे हैं साथ में। अब ये नहीं पता कहाँ जाके रुकेंगे, जाना उत्तराखंड है, कंफर्म है नहीं कौन सी पहाड़ी तक पहुंचना है। शाम तक पता चल जाएगा आप लोगों को कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम ही पजल हो रखे किस तरफ जाएं। आप देखते रहिए, अपडेट मिलता रहेगा बिल्कुल। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में, ठीक है भाई। गाइस रास्ते में आया, एक्सीडेंट हो गया भाई। कौन सी गाड़ी है ये? अर्टिगा गाड़ी है ये, देखो अगली वाली गाड़ी शो रखा लगा था, अभी हुआ फ्रेश फ्रेश है, दो अभी खड़ी अभी शायद इस गाड़ी से हुआ भाई। तो हाँ अभी पूरी लग रही है भाई आगे से गाड़ी। तो भाई जब हम रास्ते में हैं, अभी ये गाड़ी चला रहा है, मैं अपना ग्रीन टी की चुस्कियां ले रहा हूँ, पीछे सब सब बैठा है और ये गाने सुन रहे हैं दोनों। कैसा मजा आ रहा है? हाँ। सही, फुल एंजॉय। चलो एंजॉय तो अभी आगे चल के करेंगे पहाड़ों में, अभी क्या एंजॉय है। काफी लगेंगे भाई, 150-200 किलोमीटर रह गया अभी, आधा रास्ता कवर किया है, कोई दिक्कत ना पूरा भी हो जाएगा। और तो गाइस रास्ते में रुक गए हैं भाई फास्टैग रिचार्ज के लिए, पता नहीं क्या दिक्कत, मेरे फोन से हो ही नहीं पा रहा फास्टैग रिचार्ज। फिर शायद यहाँ हो जाए तो यहाँ करवा लेते भाई, गाड़ी यहाँ खड़ी आगे टूल टैक्स से, पिछले पे भी डबल कटवा के निकलना पड़ा था, अभी अपना डबल कटवाना पड़े तो इसलिए एक बार रिचार्ज। गाइस फाइनली नया फास्ट टैग ले लिया भाई हमने, वो तो ब्लॉक हो चुका था बैंक में कॉल की, दो ब्लॉक मिला तो अब हमने यहाँ से नया ले लिया भाई SBI का। अब देखते हूँ कैसा चलेगा, और फिर निकल लिया अभी यहाँ से, अभी तो 150 किलोमीटर के करीब हो रहा है, देखते कितनी देर में पहुंचेंगे। और ये भाई लाइटिंग भी हो गई है गाड़ी में अच्छे से, सही चसने लग गई है, पहले थोड़ी कम चस रही थी, जैसे वो कई साल पहले एक बार कहते थे ना लाइट मंदी आ गई, मंदी आ गई है विजय, तेज आ गई, तेज आ गई, डिम लाइट आ गई, वो सीन हो रखा भाई गाड़ी में भी। चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, भीड़ भाड़ काफ़ी आई है। तो गाइस यहाँ हमने अपना सेटअप बना लिया भाई खाने का, काफ़ी भूख लगी थी रास्ते में पेट्रोल पंप के, यहाँ रुक गए, यहाँ गाड़ी है और विजय और सक्षम गए हैं भाई अपना वॉशरूम, हम यहाँ खाना खा लेते हैं। तो गाइस खाना तो हो गया भाई, अब घर से दूध लेके आया था गरम गाय का, अब दूध चल रहा भाई। खाना वाना खा लिया है, एक एक दो दो गिलास दूध मारेंगे, सर्दी हो ही रखी, फिर यहाँ से निकल लेंगे, फिर रुकेंगे सीधा नैनीताल, ठीक है भाई, नैनीताल चल के रुकेंगे, फिर बीच में कहीं स्टे नहीं होगा, जितना रेस्ट करना यहीं कर लो इकट्ठा, ठीक है बेटे। रास्ते में काली डुगा क्या नाम जंगल है, वहाँ से गुजरना पड़े, हाँ तो वहाँ नहीं रुकेंगे बीच में, तो वहाँ पे कुछ दिखता है तो दिखाते आप लोगों को, कुछ नहीं दिखेगा वहाँ, पिछली बार भी नहीं दिखा था। पहुंच गए हैं नैनीताल में, ये आगे सामने माल रोड है, काफी कम रस है आज तो, इतनी
इतनी भीड़ भाड़ है नहीं भाई, भीड़ नहीं। देखते हैं आगे गाड़ी कहाँ लगाते हैं, फिर थोड़ा झील के किनारे घूमेंगे, अगर कहीं टेंट की जगह मिलती है तो टेंट लगाएंगे, नहीं तो भाई रूम ही लेके रहेंगे। पार्किंग यहाँ भी है भाई, ये तो होटल की होगी, लेकिन चलो आगे देखते हैं। तो गाइज नैनीताल पहुँच गए भाई, और आज टेंट का स्टे नहीं किया हमने, नाइट में हम थोड़ा माल रोड से हटके रुके हैं भाई। आज ये यहाँ पे होटल ले लिया हमने डॉल्फिन, आज यहीं रुके हैं भाई रात को। हमने दो रूम ले लिए हैं मैंने और विजय ने, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है। चलो आपको दिखाएंगे होटल का रूम टूर करवाते हैं आज। भीड़ भाड़ तो अभी उतनी है गाइस, ज़्यादा कुछ खुला है नहीं। इधर से चल के ये है गाइस 204 रूम नंबर, और ये वंशु यहाँ लेटा हुआ है। हम कर देते हैं अपने रूम को लॉक, चाबी भी नहीं निकाली भाई हमने तो। तो वंशु को तो भाई सर्दी लग रही है, हाथ ही घुस गया, ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये बेड है वो अपना सोफा है, और यहाँ अपना टीवी चल रहा है भाई। चाय मंगा ली गरम करने के लिए, केटली भी है, बैग, और भाई एक अलमीरा है बैग वगैरह रखने के लिए, अभी हमने बैग उतारे नहीं है, गाड़ी में ही रखे हैं। और ये यहाँ पे पर्दे, और ये भाई वॉशरूम वगैरह सुबह दिखाएंगे अच्छे से, और अब थोड़ी देर पहले करते हैं रेस्ट, बाद में करेंगे और काम भाई। तो गाइज चाय ले लेते हैं भाई, सही गर्म थी, ठंडी हो चुकी इतनी देर में चाय, तो चलो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले चाय ले लेते हैं भाई, जब तक के लिए बाय बाय। डाल दिया तो गाइज ग्रीन टी पी लेते हैं, और भाई सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 12 बज गए है ना वंशु, गुड नाइट, सो जा, सुबह से उठना भी है जल्दी। तो गाइज वंशु तो सो चुका भाई, मैं भी सो जाता हूँ, 12 से ऊपर टाइम हो चुका भाई, और विजय साथ वाले रूम में है। टेंट वेंट कुछ नहीं लगा आज, क्योंकि आज जगह मिली नहीं हुई, तो हमने रूम ही ले लिया और रूम में ही रुक गए, कल देखते टेंट की जगह। तो ओके गाइज गुड नाइट, मिलते हैं भाई कल सुबह, कंटिन्यू व्लॉगिंग रखेंगे इसी में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, जब तक के लिए बाय बाय स्वीट ड्रीम। अरे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वही उठ लिए हैं, रूम से बाहर आ गए, वॉक कर रहे थे, और ये देखो क्या सुंदर नज़ारा है। यहाँ खड़े हैं भाई अपना राजभवन है नैनीताल का, वो सामने नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा व्यू होगा, मॉर्निंग का धूप भी अच्छी खिली हुई है। अभी थोड़ी वॉक वगैरह कर लेते हैं, फिर चलेंगे नहाएंगे, फिर अलग अलग पॉइंट देखेंगे, हो सकता है स्कूटी किराए पे लेंगे भैया, रेंट पे स्कूटी लेके और चलाएंगे, उसी से घूमा जाएगा, गाड़ी से मज़ा नहीं आता भाई। और ये राजभवन है भाई, मुल्लीताल तल्लीताल इधर है, टिकट काउंटर विजिट राजभवन, राजभवन घूम भी सकते हैं, देखेंगे शायद यहाँ भी घूम लें हम। तो वो खड़ा अपना विजय, काफ़ी अच्छी जगह है भाई यहाँ घूमने के लिए। तो गाइज वॉक करके तो आ गए हैं भाई रूम पे, वंशु भी उठ चुका है, नहा लेते हैं, फिर हमने स्कूटी रेंट पे ले ली है, स्कूटी पे चलेंगे घूमने, भीमताल भी चलेंगे, स्कूटी से ही घूमेंगे आज पूरा, ये एक्सपीरियंस और करके देखते हैं, ठीक है। तो गाइज नहा के हो लिए हैं रेडी भाई, ऐसी टी शर्ट है, अपर ऐसा ही फ़ोन के स्क्रीन चढ़वा रखी है, और रेडी हो चुके हैं भाई, अब निकलेंगे कहीं एक बार विजय और उसका लड़का भी नहा ले वही, फिर चलते हैं बाहर कहीं घूमने। और घर पे बात की यार, यू भी कोई ज़्यादा सिर में दर्द हो रखा भाई, फीवर हो रखा, देखो अगर आराम ना होगा तो आज ही निकलेंगे, नहीं तो वही रुकते हैं। तो भाई जी हमने स्कूटी रेंट पे ली है, और भाई हम निकल लिए हैं चारों, अब स्कूटी पे ही घूम के आएंगे, आज गाड़ी यहीं लगा दी है पीछे खड़ी पार्किंग भाई अपने होटल के यहाँ। मैं वंशु हेलमेट निकाल ले, और भाई सक्षम ने भी हेलमेट लगा लिया है, विजय ने भी, हम भी लगा लेते और फिर निकलते भाई अपना स्कूटी लेके, देखते रहना गाइस कहाँ कहाँ घूम के आएंगे, बिल्कुल फ्रेश मूड है भाई आज, तो चलते हैं भाई। तो गाइस दोनों निकल लिए भाई, पापा बेटा हम स्कूटी पे, और मज़ा आ रहा है भाई काफ़ी,
रहे हैं हम नैनीताल की सड़कों पर, देख सकते हो आप भाई, ये नैनी झील है भाई ऊपर। चल नीचे, चल नीचे, चल चलेंगे भाई उसके पास ही, झील के पास। ये भाई काफी सुंदर नजारा है, यहाँ से देख सकते हो आप क्या व्यू आ रहा भाई। तो गाइस हमने स्कूटी में पेट्रोल तो डलवाई लिया, कहाँ पे काफी भीड़ लगी है भैया। कहाँ फिर से बैठे वो, ये भी हाँ तो गया होगा इधर उधर, वोटिंग करेंगे जब देखेंगे क्या क्या है। ठीक है कहाँ है, अरे वैसे लकड़ी वगैरह, चलो आ जाए।